वाराणसी कबीर चौरा मूल गादी में 28 व 29 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा कबीर चौरा महोत्सव। विस्तृत विवरण आपको दिया। 29 तारीख को दोपहर में 12 से 4 पेंटिंग का कार्यक्रम, 11 बजे से 2 बजे तक सुबह 7 बजे यहाँ से। गुरु जी, आज की पत्रकार वार्ता की गई, क्या उद्देश्य? जी, ये पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कबीर चौरा महोत्सव की शुरुआत की है और 27, 28, 29 को कबीर चौरा महोत्सव है। उसके पहले 27 को हम लोग एक सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं काशी में, कबीर की कर्म भूमि से जन्मभूमि तक, जिसमें भाव और प्रेम, एकता, मानवता का संदेश जागरण फैलाते हुए पूरे यहाँ कबीर चौरा से लाल तालाब तक हम लोग जाएंगे। करीब कितने लोग आएंगे तो, लेकिन हम लोगों ने 100 लोगों के करीब करीब अनुमान किया है, लोगों की टीम बनाई है। और 28 को एक संगोष्ठी रखी है, जो विद्वान और विचारक कबीर के अन्वेषक आएंगे और कबीर पर चर्चा करेंगे। और 28 को उद्घाटन सत्र है, जिसमें मंत्री जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और बच्चे, जो स्थानीय बच्चे हैं, कबीर के भजनों को, कबीर के गीतों को प्रस्तुत करेंगे। और 29 को बाहर से, इंदौर से, कटनी से कबीर गायक हैं, जो प्रसिद्ध हैं, कबीर पंथ में गाते हैं और बाहर भी गाते हैं, बड़े बड़े समारोह में भी गाते हैं, गायकों को इस बार बुलाया है। और आगे होने वाले समारोह में इसका बहुत विस्तारी हम 5 दिवसीय करेंगे, इसकी घोषणा भी करेंगे। अभी तो हम लोग 2 दिन कर रहे हैं, हम लोग अपने सब साधन से इसको कर रहे हैं और इसको चाहेंगे कि सरकार के तमाम जो मंत्रालय हैं, जो इस तरह के कामों के लिए सहयोग राशि करते हैं, जो करें, तो इसको व्यापक रूप से हम इस गुरु जी ऐसा कार्य करने का उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम 2 दिवसीय करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो है कबीर के पद आयु सारी दुनिया में गाए जा रहे हैं, तो कबीर मठ है जहाँ से कबीर साहब ने अपने भजनों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से दुनिया में जन जागरण का काम किया, भक्ति आंदोलन सुनाया। भक्ति गीत ही कबीर के प्रसिद्ध है। आज कहीं भी आप संगीत के समारोह के क्षेत्र में देखेंगे तो अन्य भी कबीर के पद गाए जाते हैं और यह मठ कबीर का, गीत का, कबीर के कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ कबीर के भजनों का, कबीर के पदों का गायन बखूबी होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इस उद्देश्य को देखते हुए हमने कबीर चौरा महोत्सव की शुरुआत की है, ताकि कबीर के पदों को विभिन्न गायन हो, वो शास्त्रीय गायन हो, चाहे लोक गायन हो, चाहे जीवन के भक्ति संगीत हो, इस तरह चीज़ों को प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमारा उद्देश्य है।